आप आ गए तो हम भी आ गए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग क्लास 12वीं का गणित प्रश्नावली 4.2 को। 4.2 आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इस प्रश्नावली को करने में बहुत सारे हमारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है। लेकिन आप लोग से एक बात करना चाहता हूँ, इस वीडियो को अंत तक देखिए। आपको सभी क्वेश्चन में बोल रहा हूँ कि कोई भी दिक्कत नहीं होगा, इसलिए ध्यान से वीडियो को देखना होगा। इससे पहले हम सारे एग्जाम्पल, इसका थ्योरी, जो भी इसका प्रॉपर्टी जैसे सारा चीज़ हम पढ़ा चुके हैं। नहीं देखे हैं तो जाकर के डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दे देंगे, वहाँ से देख सकते हैं। बहुत ही अच्छे तरह से सारे थ्योरी फॉर्मूला बताए हुए हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अपना प्रश्नावली 4.2। क्वेश्चन कह रहा है कि बिना प्रसरण किए और सारणिकों के गुण धर्म का प्रयोग करके निम्नलिखित प्रश्न 1 से 5 तक को सिद्ध कीजिए। देखिए, सारे प्रश्न जो है सिद्ध ही करना है, लेकिन क्या करना है इसमें आप लोग को गुण धर्म का उपयोग करना है। जो सारणी का गुण धर्म हम लोग पढ़े हैं उसी को यूज करना है। आइए इसको स्टार्ट करते हैं, बहुत ही मजा आएगा इस एक्सरसाइज को करने में, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, पहले से हम क्वेश्चन लिख करके तैयार रखें ताकि जो टाइम लगता है क्वेश्चन लिखने में वो हमारा बच सके। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है कि एक्स ए एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस बी जेड सी जेड प्लस सी बराबर 0। आपको यानी इस क्वेश्चन में 0 दिखाना है, प्रूव करना है। ठीक है, कैसे बनाएंगे एग्जाम में? तो सबसे पहले यहाँ पर आप हिंदी में लिखना चाहते हैं तो हल लिख लीजिएगा, इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो सॉल्यूशन का शॉर्ट फॉर्म में SOL पावर में N डाल दो, हो गया सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया रहता है ना उससे एक बार लिख लिया करो, जब भी आप लोग बनाओ। एक्स ए एक्स प्लस ए वाई ए बी वाई प्लस बी ए जेड ए सी जेड प्लस सी। ठीक है, जो दिया था उसको हमने लिख लिया। अब देखो अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम सारणी का गुण धर्म पढ़े थे कि कोई भी डिटर्मिनेंट यानी सारणिक हो, यदि एक ही साथ प्लस में दो चीज लगा हो, जैसे यहाँ पर एक्स प्लस है, एक ही को 2 बार लिखा गया है, ये सिंगल सिंगल है और इसको क्या एक ही साथ 2 को लिखा गया है। जब ऐसा सारणिक में मिलता है तो उसको अलग अलग कर दिया जाता है। कैसे करेंगे समझिए ध्यान से। सबसे पहले ये सिंगल सिंगल को लिख लेंगे, एक्स वाई जेड ए बी सी, उसके बाद एक्स वाई जेड है ना, एक्स वाई जेड को लिख करके और डिटर्मिनेंट का साइन लगा देंगे। बीच में क्या है प्लस, तो यहाँ पर प्लस का साइन दे देंगे, फिर से डिटर्मिनेंट का साइन लगाएंगे और इनको जो सिंगल सिंगल था एक बार फिर से इसे लिखेंगे, एक्स वाई जेड ए बी सी, इसको हमने तो लिख लिया था, ये बच गया ना, इसको एक बार फिर से लिख लो ए बी सी, यानी अलग अलग डिटर्मिनेंट्स में इसे बांट दिया जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलो अब क्या करेंगे, अब हम यहाँ से अपना माइंड लगाएंगे कि अब क्या करें कि हमारा 0 हो जाए। तो आप लोग को सारणिक में यानी जब प्रॉपर्टीज बता रहे थे गुणधर्म, तो कहे थे ना कि कभी भी डिटर्मिनेंट्स में 2 रो आपस में बराबर हो जाए, चाहे 2 कलन आपस में बराबर हो जाए, तो उस डिटर्मिनेंट्स का उस सारणी का मान 0 हो जाता है। तो यहाँ देखो तो एक्स वाई जेड C1 में और एक्स वाई जेड C3 में दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए, यानी 2 कलन C1 और C3 क्या हो गया, बराबर। जब बराबर हो गया तो इस सारणी इस डिटर्मिनेंट्स का मान क्या हो गया, 0। क्यों? क्योंकि C1 और C3 बराबर हो गया। जब ऐसा होता है यानी 2 रो हो चाहे 2 कलन हो बराबर हो जाएगा, उसका मान 0 हो जाता है। ठीक है, बीच में प्लस है तो प्लस। अब इस सारणिक में देखो तो C1 C2 और C3 ABC ABC C2 और C3 क्या है, एंड चाहे और लिख लो, C2 और C3 भी क्या हो गए, बराबर हो गए, इसका भी मान क्या हो गया, 0। 0 और 0 को जोड़ेंगे ये हो जाएगा 0, यानी आपको यही तो प्रूफ करना था, ये देखिए आपका प्रूफ हो गया, 0 लाना था हमने ला दिया, कोई दिक्कत नहीं। समझ में सबको आया ना? अब चलो क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं।
ये है आपका क्वेश्चन नंबर दो। ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी, बी माइनस सी बराबर जीरो प्रूव करना है। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, जो दिया रहता है ना उसे एक बार लिख लिया जाता है। तो ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, उसके बाद बी माइनस सी, सी माइनस ए, ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी, बी माइनस सी, जो दिया था उसे हमने एक बार लिख लिया। अब देखो तो अब क्या करें कि हमारा जीरो हो जाए। देखो स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत दिक्कत होता है, सबको होता है, ठीक है, लेकिन इसे बार बार रिवीजन करोगे बनाओगे तो फिर ये बहुत इजी हो जाता है। पहली बार में होता है, सबको होता है भाई, आपके दोस्त का भी होता होगा, आप जा करके पता कर लेना, ठीक है, ऐसा होता है। चलो इसे हम प्रूफ करेंगे जीरो कैसे। तो देखो हम क्या करते हैं कि ए सी वन और ए सी टू और ए सी थ्री को सी वन में जोड़ देते हैं। कहने का मतलब है कि जो सी वन में हमने क्या किया कि सी वन में सी वन को और सी टू को और सी थ्री को, तीनों को हमने जोड़ रहा। जोड़ो तो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी, ये सी टू बी माइनस सी है ना, तो इसे प्लस बी माइनस सी कर दी। फिर सी थ्री है सी माइनस ए, इससे भी हमने जोड़ दिया। सब में करेंगे वैसा, बी माइनस सी, सी माइनस ए, प्लस ए माइनस बी, उसके बाद सी माइनस ए, प्लस ए माइनस बी, प्लस बी माइनस सी। ठीक है, अब सी टू सी थ्री को ज्यों का त्यों लिख देंगे, तो बी माइनस सी, सी माइनस ए, ए माइनस बी, सी माइनस ए, ए माइनस बी, बी माइनस सी। ये देखो हमने लिख लिया। अब यहाँ से देखो तो कुछ माइंड अपना लगाओ कि क्या हो रहा है। देखो यदि हम यहाँ से ए माइनस और ए प्लस, ए कैंसिल, ए माइनस ए प्लस कैंसिल, ए माइनस और ए प्लस कैंसिल, सब क्या हो गया, वो हो गया आपका जीरो। यहाँ से प्लस और ए माइनस, ए प्लस और ए माइनस, प्लस माइनस, ये भी क्या हो गया, ये भी आपका हो गया जीरो। ए प्लस और ए माइनस, ए प्लस ए माइनस, ए प्लस ए माइनस, ये भी हो गया जीरो। ठीक है, चलो अब जाओ, यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, आपकी ज़रूरत नहीं है अभी। चलो बी माइनस सी, सी माइनस ए, ए माइनस बी, और ये देखो सी माइनस ए, ए माइनस बी, बी माइनस सी, ये देखो इतना हो गया। अब आपको गुणधर्म में पढ़ाया गया था कि कोई भी रो या कोई भी कलन, उस कलन का सभी मान जीरो जीरो हो, उसका मान हो जाता है क्या, उस सारणी का मान भी जीरो हो जाता है। तो यहाँ देखो सी वन का पूरा जीरो जीरो हो गया, यानी इसका मान क्या हो गया, जीरो, जो कि आप लोग का आरएचएस प्रूफ करना था, हमने ला दिया। तो ये सब क्वेश्चन है ना दोस्त, बहुत इजी है, ध्यान से बस करना होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री को। थ्री भी हम पहले से लिख करके रेडी रखे हुए हैं, ठीक है, यहाँ पर जीरो प्रूफ करना है, ये छूट गया। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, जो दिया रहता है उसे एक बार लिख लेते हैं। दो सात पैंसठ, तीन आठ पचहत्तर, पाँच नौ छियासी। ठीक है, चलो क्या करें, सबसे पहले देखो हम क्या करते हैं, यहाँ पर माइंड लगाएंगे अपना कि यदि मान लो कि यहाँ पर दो तीन पाँच छः सात आठ नौ है, यदि हम इसको तोड़ देते हैं, अब तोड़ेंगे कैसे, तो देखो सबसे पहले क्या करते हैं, ये दो ये तीन इस पाँच को लिख लिए, ये सात ये आठ इस नौ को हमने लिख लिया। इसे देखो तो ये पैंसठ है ना, तो पैंसठ को हम तिरसठ प्लस दो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि तिरसठ और दो पैंसठ। उसी तरह पचहत्तर को क्या लिख सकते हैं, बहत्तर प्लस तीन, इक्यासी को इक्यासी प्लस पाँच लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब जानते हो ना जब प्लस लग जाता है तो इसको अलग अलग करना पड़ता है, तो अब हम क्या करेंगे, अलग अलग कर लेंगे इन दोनों को, तो लिखेंगे दो तीन पाँच सात
9, इसे अलग अलग लिखो, 63, 72, 81, ठीक है, प्लस है ना, तो प्लस का साइन लगा देंगे। अब देखो इन दोनों को तो लिखेंगे ही लिखेंगे, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 2, 3, 5, 2, 3, 5, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब देखो अब हम क्या करते हैं, ध्यान देना कि इसे हम तोड़ते हैं, ये देखो 2, ये 3 और ये 5, ये 7, ये 8 और ये 9, इस 63 को हम क्या लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं क्या, 9 गुना 7, 9 7 63, 63 को ऐसे लिख सकते हैं। 72 क्या लिख सकते हैं, 9 गुने 8, 9 8 72, 81 को 9 गुना 9 लिख सकते हैं, ठीक है, प्लस। अब यहाँ देखो तो C1 और C3 क्या हो गए, बराबर हो गया, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ से ये जो C3 है इसमें सब में 9 9 है, तो 9 को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा, 2, 3, 5, 7, 8, 9, बच जाएगा 7, 8, 9, अब प्लस में क्या है, 0, तो 0 लिखेंगे। अब यहाँ देखो 9 का 9, अब ये देखो C2 और C3 क्या हो गए, बराबर हो गए, तो इसका भी मान क्या हो जाएगा, 0, अब प्लस 0, 9 को 0 से करेंगे 0, अब प्लस 0, यानी इसका आंसर आ गया 0, जो कि आपका प्रूफ हो गया, ठीक है। तो सभी क्वेश्चन इजी है, थोड़ा सा माइंड तो लगाना पड़ेगा, अभी शुरू है, आप लोग को अंत होते होते अच्छे से सारा चीज आ जाएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, ये 0 लाना है, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, जो दिया है ना उसे लिखेंगे, 1 BC A B+C, 1 CA B C+A, 1 AB C A+B, ठीक है। अब देखो क्या करते हैं, अब यहाँ से माइंड लगाते हैं कि कैसे भी हमारा 0 हो जाए, तो पहले तो ये गुना है ना, इसे गुना करा देते हैं, ठीक है। आइए पहले हम इसे गुना कराते हैं, तो ये ज्यों का त्यों लिख लेंगे, ठीक है, ABC A CA और A AB, इसको गुना कराते हैं, A को B से तो AB होगा, अब प्लस A को C से करेंगे AC होगा, B को C से करेंगे BC होगा, B को A से करेंगे AB होगा, चाहे ABA लिखो, बात एक ही है, ठीक है। C को A से करेंगे AC, प्लस B को C से करेंगे BC, इतना हो गया। यहाँ से हम क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप में, कि जो यहाँ पर C3 है ना, C3 में C2 को जोड़ देते हैं, ठीक है, C3 में हमने C2 को जोड़ने की कोशिश किया, करो C1 ज्यों का त्यों, C2 भी ज्यों का त्यों, ठीक है, इसमें जोड़ना है, तो पहले से AB और AC है और BC है, तो इसमें जोड़ देंगे, BC हो गया, इसको करते हैं BC+AB+CA को, चाहे AC को, बात एक ही है, AC+BC, इसमें AB को जोड़ दो, ये हो गया AB, ठीक है। अब देखो तो AB AC BC ये तीनों में है, इसे हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, तो AB+BC+AC। अब ये मत कहना कि सर यहाँ पर AC पहले आपने बाद में लिख दिया, उसे कोई दिक्कत नहीं है, है तो एक ही साथ ना, चलो यहाँ पर एक और ए भी एक और ए भी एक, ABC A CA और A AB, यहाँ से सबको तो कॉमन ले लिए, तो एक 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 बच गया, ठीक है। अब देखो तो ये AB+BC+AC, अब दो डिटर्मिनेंट्स C1 और C3 इक्वल हो गए, इसका मान 0 हो जाएगा, अब 0 से इससे गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 0, ये हो गया आपका आंसर, एंड जो प्रूफ करना था
वो प्रूफ आपका हो गया। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है यार, बहुत इजी। देखो क्वेश्चन नंबर 5 है कि बी प्लस सी, क्यू प्लस आर, वाई प्लस जेड, सी प्लस ए, आर प्लस पी, जेड प्लस एक्स, ए प्लस बी, पी प्लस क्यू, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2, ए पी एक्स, बी क्यू वाई, सी आर जेड प्रूफ करना है। ये क्वेश्चन आप लोग को बता दें कि इम्पोर्टेंट है, इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो पहले जो दिया है ना उससे लिख लो, बी प्लस सी, क्यू प्लस आर, वाई प्लस जेड, ये सी प्लस ए, आर प्लस पी, जेड प्लस एक्स, ठीक है, और ए प्लस बी, पी प्लस क्यू, एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को करना है, इसे कैसे करेंगे। सबसे पहले हम इसे हम देखेंगे कि हमें लाना है ए पी एक्स में, ऐसे तो हो नहीं पाएगा क्योंकि बी प्लस सी, क्यू प्लस आर, वाई प्लस जेड है, हमें ए पी एक्स चाहिए, यहाँ पर पी चाहिए, यहाँ पर ए चाहिए, कैसे होगा। तो हम जानते हो क्या करेंगे, इंटरचेंज कर देंगे, इंटरचेंजिंग रो एंड कलन। इंटरचेंज कहने का मतलब होता है जब इंटरचेंज करेंगे तो ये जो रो है एक कलन में बदल जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इंटरचेंज, इंटरचेंज रो और कलन, इंग्लिश में लिख दिए, बात को समझिएगा। ठीक है, यानी हम इसको बदल रहे हैं सभी रो और सभी कलन को, बदलो तो ये जो रो है ना वो कलन में आ जाएगा, तो हो जाएगा बी प्लस सी, क्यू प्लस आर, वाई प्लस जेड। ठीक है, आगे इसे चेंज करेंगे, सी प्लस ए, आर प्लस पी, जेड प्लस एक्स, इसे भी चेंज करेंगे, ए प्लस बी, पी प्लस क्यू, एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब देखो तो आगे चेंज करेंगे कि यदि हमने इंटरचेंज किया तो इससे प्रॉफिट क्या हो रहा है, अभी तो कुछ हो नहीं रहा है, लेकिन देखो क्या करते हैं, ये जो सी थ्री है ना, इस सी थ्री में हम क्या करते हैं, इन दोनों को सी वन और सी टू को जोड़ करके सी थ्री में से माइनस करते हैं, देखो फिर क्या होता है, लिख लेंगे यहाँ पे कि सी थ्री में हम क्या कर रहे हैं कि सी थ्री माइनस सी वन और सी टू को जोड़ करके माइनस करना चाहते हैं, आइए किया जाए। तो सी वन तो ज्यों का त्यों होगा, बी प्लस सी, क्यू प्लस आर, और ए वाई प्लस जेड, ये सी प्लस ए, ये आर प्लस पी, और ये जेड प्लस एक्स। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सी थ्री में से सी वन और सी टू को जोड़ करके घटाना है, इसके लिए हमें चाहिए रफ पेज, आइए पहले आपको हल करके दिखाते हैं। ये देखिए हमारा सी थ्री है, ए प्लस बी है, उसमें से माइनस किसको करना है, सी वन सी टू को जोड़ करके, तो बी प्लस सी प्लस ए प्लस सी प्लस ए, इसको माइनस करना है, तो देखो तो क्या होगा, ए प्लस बी माइनस सी माइनस सी माइनस ए, तो प्लस ए माइनस ए कैंसिल, प्लस बी माइनस बी कैंसिल, ये हो जाएगा माइनस टू सी, यानी जब इसको करेंगे तो यहाँ पर माइनस टू सी आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पी प्लस क्यू में भी इसको करते हैं, तो लिख लेंगे पी प्लस क्यू, माइनस करना है सी वन सी टू को जोड़ करके, तो क्यू प्लस आर प्लस आर प्लस पी, तो पी प्लस क्यू माइनस पी माइनस आर माइनस आर माइनस पी, ए माइनस पी ए प्लस पी, ए माइनस क्यू प्लस क्यू, ये हो जाएगा माइनस टू आर, यहाँ से देखो माइनस टू आर। एक्स प्लस वाई में वैसा ही करते हैं, एक्स प्लस वाई माइनस करना है वाई प्लस जेड प्लस जेड प्लस एक्स, इसको हल करेंगे तो एक्स प्लस वाई माइनस जेड माइनस जेड माइनस एक्स माइनस प्लस प्लस माइनस, ये हो जाएगा माइनस टू जेड, ये माइनस टू जेड। ठीक है, इतना हो गया। अब क्या करेंगे, अब देखो अब क्या करते हैं कि माइनस टू सब में है सी थ्री में, तो माइनस टू को हम क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं,
माइनस टू को हमने कॉमन ले लिया, तो बच जाएगा बी प्लस सी क्यू प्लस आर वाई प्लस जेड, सी प्लस ए आर प्लस पी जेड प्लस एक्स, ये सी ये आर और ये जेड, ठीक है इतना हो गया। अब क्या करेंगे, अब देखो अब हम यहाँ से क्या करते हैं कि ये डबल डबल है ना, इसे सिंगल करना चाहते हैं, कैसे होगा, एक बार C1 में से C3 को माइनस करेंगे, एक बार C2 में से C3 को माइनस करेंगे। यहाँ पर लिख लेते हैं कि C1 में से C3 को माइनस तथा C2 में से C3 को माइनस, देखो क्या होगा, ये माइनस टू, देखो B प्लस सी में से C जाएगा तो क्या बचेगा B, Q प्लस आर में से R जाएगा बचेगा Q, Y प्लस जेड में से जेड जाएगा बचेगा वाई, C प्लस ए में से C जाएगा ये होगा A, R प्लस पी में से R जाएगा ये होगा P, Z प्लस एक्स में से जेड जाएगा ये बचेगा X, ठीक है। उसके बाद सी आर जेड बच गया ना, सी आर जेड इससे हमने लिख लिया। अब क्या करेंगे, अब देखो हम क्या करते हैं कि यहाँ से अभी हमारा प्रूफ तो नहीं हो पाया ना, क्योंकि यहाँ पर हम प्लस है और ए पी एक्स में लाना है, हम लोग को कहाँ पर अभी है ए बी ए सी है, इसे चेंज करना होगा, तो चेंज करने के लिए क्या करना होगा, हम क्या करते हैं देखो ध्यान से, यहाँ से यूजिंग यानी क्या हम यूज कर रहे हैं कि C1 को C2 में और C2 को C1 में चेंज करते हैं, कहने का मतलब है कि जो C1 है ना इसे हम C2 में रख देते हैं और C2 को C1 में रख देते हैं, जब एक रो को चेंज करते हैं एक कलन को, ठीक है ना, एक कलन को एक दूसरे में चेंज करते हैं तो माइनस का साइन लगता है, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, माइनस का साइन लग जाएगा और पहले से माइनस टू है ही, अब C1 को C2 में लिख दो, C2 को C1 में, इस एरो का मतलब हुआ कि C1 चल गया C2 में, C2 चल गया C1 में, तो कर दो A P X B Q Y और C R Z जो का त्यो, ठीक है। अब यहाँ पर जगह है तो यहीं पर बना देते हैं इसको, ठीक है, तो ये देखो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। अब यहाँ से देखो अभी भी हमारा A B C में तो लाना नहीं है, हमें किस में लाना है ए पी एक्स में, और यहाँ बी क्यू वाई और सी आर जेड, तो इस बार क्या करते हैं कि ऑल रो एंड ऑल रो को चेंज कर देते हैं, तो लिखेंगे इंटरचेंज रो एंड कलन, यानी ऑल रो और ऑल कलन को चेंज करते हैं, तो रो क्या चल गया कलन में ए बी सी और ए पी क्यू आर और ए एक्स वाई जेड, ये देखो प्रूफ करना था ए पी एक्स बी क्यू वाई सी आर जेड, देखो प्रूफ हो गया। अब आपका क्वेश्चन बनेगा कि सर जब आपने सी वन को सी टू में चेंज किया था यहाँ पर माइनस लगा था, अब ये ऑल रो एंड ऑल कलन चेंज हो रहा है तो क्यों नहीं माइनस, तो देखो जब सभी को चेंज किया जाता है तो माइनस का साइन लगता है, सिर्फ एक का चेंज होगा मतलब एक यानी सी वन को सी टू में सी टू को सी वन, जब ऐसा होगा तो उसमें माइनस लगता है, ठीक है, जब जब करोगे तब तब माइनस लगेगा, लेकिन ऑल को चेंज कर देंगे तो माइनस नहीं लगता है, देखो ये प्रूफ हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फाइव बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान से करिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर सिक्स को अब देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सिक्स को देखते हैं, सारणिकों का गुणधर्म का प्रयोग 6 से 14 तक सिद्ध कीजिए, ठीक है, चलो इसे सिद्ध करते हैं। तो सबसे पहले जो दिया है ना उसे लिख लो, जीरो ए माइनस बी माइनस ए जीरो माइनस सी बी सी जीरो, ठीक है। देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ भी हमें जीरो लाना है ना, तो हम क्या करते हैं यहाँ से क्या किया जाए, हम देखो क्या करते हैं कि R1 में, ठीक है, R1 में हम क्या करते हैं R1 में C से मल्टीपल कर देते हैं। अब आपको सर क्यों, देखो अभी अभी पता चलेगा, R1 हमने C से मल्टीपल कर दिया, देखो तो क्या होगा, जीरो में C से मल्टीपल करेंगे जीरो ही होगा, A को C को करेंगे तो A ए सी हो जाएगा, B को C गुना करेंगे तो माइनस बी सी हो जाएगा, उसके बाद बाकी सब ज्यों का त्यों लिख दो, माइनस ए जीरो माइनस सी बी सी जीरो, ठीक है।
अब क्या किया जाए, अब हम यहाँ से क्या करते हैं, R1 में से, ठीक है, R1 में से B में R2 से मल्टीपल करके माइनस करते हैं, तो क्या होगा, इस बार हमारा हो जाएगा R1 क्या है 0 और उसमें R2 क्या है AC, तो गुना करेंगे तो ABC हो जाएगा, 0 में से ABC जाएगा तो क्या होगा, समझ में आ रहा है बातें। देखो ये R1 है, R2 है, R3 है, ये 0 है तो 0 का 0, थोड़ा सा हम रफ पेज यूज करेंगे तो अच्छा रहेगा आप लोगों को समझने के लिए। R1 क्या है 0, अब माइनस करना है R1, R1 क्या है, R1 में R1 R1 हो गया 0, B हो गया B, R2 हो गया माइनस ए, माइनस ए, तो 0 माइनस माइनस प्लस ए बी, ये क्या हो जाएगा ए बी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो माइनस ए माइनस करना है 20 से गुना करके R2 में, R2 में 20 से क्या करना है गुना करना है, अच्छा ए सी है ना, सॉरी यहाँ पर ए सी है, ए सी माइनस R2 0 है, बी गुना 0, घटाएंगे ए सी माइनस 0 तो ए सी हो जाएगा, ठीक है। फिर माइनस बी सी है, माइनस करना है R2 माइनस सी है, तो माइनस बी इंटू माइनस सी, तो माइनस बी, ठीक है माइनस, सॉरी गलती हो रहा है क्या यार, गलती तो नहीं हो रहा है ना, देखो क्या है माइनस बी सी है तो माइनस बी सी ऐसे कर लिए, ठीक है अब समझ में आएगा अच्छे से। R2 है B, R2 है माइनस सी, तो B और ये हो गया माइनस सी, तो माइनस बी सी आई प्लस बी सी, ये हो जाएगा 0, कितना हो जाएगा 0, तो इसको कर दो 0, ठीक है बाकी तो ज्यों का त्यों, माइनस ए 0 माइनस सी बी सी 0, ठीक है। अब देखो अब क्या किया जाए, अब यहाँ से हम क्या करते हैं कि चेक करेंगे कि कोई आइडेंटिकल तो नहीं है, चेक करो अभी तो नहीं दिख रहा है, लेकिन एक चीज़ दिख रहा है R1 में ए, यहाँ भी ए, 0 में तो ए कॉमन हो ही जाता है, कैसे इसको समझ लो थोड़ा, 0 में कुछ भी कॉमन लोगे हो जाता है कैसे, जैसे ए कॉमन लेना है ना तो हमें ए से गुना करते हैं ए से भाग देते हैं, तो ए की जरूरत है तो यहाँ से हम ए को कॉमन ले लिए, बच क्या गया 0 बटा ए, अगले स्टेप में ए का ए, 0 में किसी भी संख्या से भाग दोगे 0, और ए और 0 से करेंगे 0, यानी 0 में कोई भी कॉमन मिल जाता है, तो यहाँ से हमारा ए कॉमन ले लिए, तो ये बी हो गया, ए सी हो गया, 0 हो गया, माइनस ए 0 माइनस सी बी सी 0, ठीक है। तो ये देखो यहाँ से R1 और R3 बराबर हो गए, जब बराबर हो गए तो ए का ए और इसका मान क्या हो गया 0, ए को 0 से कर देंगे 0 आंसर, यही तो प्रूव करना था, हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इतना बराबर इतना यानी प्रूव करना है, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी तरह का एग्जाम में क्वेश्चन आते रहता है हमेशा, माइनस ए स्क्वायर ए बी ए सी, बी ए माइनस बी स्क्वायर बी सी, सी ए सी बी माइनस सी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो क्या करते हैं, यहाँ से हम देख रहे हैं कि R1 में ए कॉमन मिल जाएगा, R2 में बी और R3 में सी, तो हम इसे कॉमन ले लेते हैं, ए बी सी सबसे हमने कॉमन लिया, तो माइनस ए हो गया, यहाँ बी यहाँ सी, यहाँ पर ए यहाँ पर माइनस बी और यहाँ पर सी, यहाँ पर ए बी और माइनस सी, ये हमने कॉमन लिया, कॉमन लेने के बाद ये चीज़ आ गया। अब इसे क्या करेंगे, अब यहाँ से हम देख रहे हैं क्या देख रहे हैं, देखो तो C1 C2 C3, C1 से फिर से अगेन A मिलेगा, C2 से B और C3 से C कॉमन मिलेगा, तो एक बार हम फिर क्या करते हैं, पहले से ए बी सी था ही, एक बार फिर से कॉमन ले लिए, क्या हो गया माइनस एक 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 माइनस एक 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 माइनस एक, ये हो गया। अब क्या करेंगे, अब देखो तो अब इसको गुना कर देंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है। हम यहाँ से क्या करते हैं, R1 को R2 के जोड़ देते हैं, R1 में हमने क्या किया R2 को जोड़ दिया, ठीक है, तथा R2 को
आर टू में से हम माइनस कर देते हैं आर थ्री को, आर टू में से आर थ्री को माइनस करते हैं, देखो क्या होगा। माइनस एक और प्लस एक, ये तो जीरो हो गया, प्लस एक माइनस एक जीरो, एक एक दो। आर टू में आर थ्री को माइनस करना, एक में से एक जाएगा जीरो, माइनस एक में से माइनस एक जाएगा माइनस दो, एक में से माइनस दो जाएगा माइनस माइनस प्लस दो हो जाएगा, और आर थ्री ज्यों का त्यों, इतना आ गया। अब क्या करते हैं, अब हम क्या करते हैं, आर वन से इसे सल्व करते हैं। सल्व तो करने आता है सबको डिटर्मिनेंट्स ना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये लेंगे दो, क्योंकि जीरो लेने से कोई फायदा है नहीं, डायरेक्ट हम दो ले लेते हैं, दो लेंगे सामने खत्म सब खत्म, माइनस दो दो एक माइनस एक बच गया। अब देखो तो, ओ यार हम लोग इतना भारी मिस्टेक कर दिए, बहुत बड़ा मिस्टेक, देखो ये बिल्कुल गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, क्योंकि देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है यहाँ पर कर लेते हैं इसे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब इस दो को लेंगे ना, दो को हमने लिया, तो ये दो लेंगे तो इसके सामने वाला ख़त्म और इसके सामने वाला ख़त्म, ये बचेगा ना, हम लोग ये चीज़ लिख लिए थे गलती से, ठीक है, तो बच गया जीरो माइनस दो एक, एक बच गया। अब इसे हल करो, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और ये दो, एक को जीरो से करेंगे जीरो, फिर बीच में लगता है माइनस, एक को माइनस एक से दो से करेंगे माइनस दो, यहाँ से हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये दो और जीरो माइनस माइनस प्लस ए दो, यहाँ से देखो दो दूनी के चार, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यही तो प्रूफ करना था जो कि आप लोग का हो गया, ठीक है। हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक कर दिए थे, इसे हम वीडियो में से दिखाएंगे नहीं, कट कर देंगे, ठीक है, वीडियो को एडिट कर देंगे ताकि ये दिखे नहीं, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा मिस्टेक किए थे कि जब दो लिए थे, ये सामने ख़त्म और ये सामने ख़त्म, तो हम लोग क्या किए थे, इसी दोनों को लिख दिए थे गलती से, कभी कभी होता है, ठीक है कोई बात नहीं। चलो आठवीं क्वेश्चन को अब हम देखते हैं, आठवीं क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है, इससे भी प्रूफ कर लिया जाए, जो पहले दिया है ना उसे लिख लेते हैं, एक ए ए स्क्वायर एक बी बी स्क्वायर एक सी सी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें हमें हल करना है ये वाला, तो हम सबसे पहले आर वन में से माइनस करते हैं आर टू को, ठीक है, तथा आर टू में से माइनस कर देते हैं आर थ्री को, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस करो तो एक में से एक जाएगा जीरो, ठीक है, ए में से बी जाएगा ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। आर टू में से आर थ्री को तो एक में से एक जाएगा जीरो, बी में से सी जाएगा बी माइनस सी, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक है, उसके बाद एक सी सी स्क्वायर, ठीक है ना। अब चलो अब क्या करेंगे, अब हम इसे डायरेक्ट हल कर लेते हैं। देखो यहाँ से हम देख रहे हैं कि आर वन में ए माइनस बी, यहाँ से इसको हल करेंगे तो पहले का स्टेप पड़ जाते हैं आगे, ये जीरो ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला तो सबको पता होगा कि एक माइनस में होता है और एक प्लस में होता है, ठीक है। उसके बाद जीरो बी माइनस सी, यहाँ भी वही फार्मूला, बी माइनस सी बी प्लस सी, और एक ए सी और ए सी स्क्वायर, ठीक है। अब चलो आगे बढ़ाते हैं इसे, तो आर वन से ए माइनस बी कमन मिल जाएगा, क्योंकि जीरो में तो मिल ही जाएगा, अभी आपको समझाए थे कि जीरो में कुछ भी कमन मिल जाता है, और आर टू से बी माइनस सी कमन मिल जाता है, तो यहाँ से जीरो एक और यहाँ से ए प्लस बी, और ये जीरो यहाँ से एक और यहाँ से बी प्लस सी, एक सी सी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो अब हम क्या करते हैं, ए माइनस बी बी माइनस सी, सी वन से हल करेंगे, जीरो लेने से कोई फायदा है नहीं, वन लेते हैं, वन लेंगे इसके सामने ख़त्म और ये सामने ख़त्म, क्या बचेगा, वन ए प्लस बी वन बी प्लस सी, यहाँ से क्या हो जाएगा, ए माइनस बी बी माइनस सी,
इसको हल करेंगे, b प्लस सी से वन से करेंगे, b प्लस सी माइनस एक को और a प्लस बी से करेंगे, a प्लस बी। यहाँ से हो जाएगा a माइनस बी, बी माइनस सी, बी प्लस सी माइनस ए माइनस बी। यहाँ से देखो माइनस बी प्लस बी खत्म, बच जाएगा a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, ये बच जाएगा। और यहीं आपको प्रूफ करना था जो कि प्रूफ हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 भी आप लोग का कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं 8 का दूसरा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है, ये और इम्पॉर्टेंट है उससे भी, इतना बराबर इतना लाना है। तो इसमें एक फार्मूला है ए क्यू माइनस बी क्यू का, आपको याद होगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो जो पहले दिया रहता है उसे हम लिख लेते हैं, बी क्यू सी क्यू। ठीक है, चलो क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ देख रहे हैं कि एक में से घटाएंगे, फिर इसमें से घटाएंगे, यानी सी वन में से, सी वन में से सी टू को घटा देते हैं तथा सी टू में से सी थ्री को माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, एक में से एक जाएगा, ये हो जाएगा जीरो, ए में से बी जाएगा, ए माइनस बी, ए क्यू में से बी क्यू जाएगा, ये हो जाएगा ए क्यू माइनस बी क्यू, फिर एक में से एक जाएगा जीरो, बी में से सी जाएगा, बी माइनस सी, बी क्यू माइनस सी क्यू हो जाएगा, फिर एक सी सी क्यू हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या करते हैं, यहाँ से हम देख रहे हैं कि एक फार्मूला लाएगा, तो उस फार्मूला को पहले लिख लेते हैं, जीरो ए माइनस बी, ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला, तो इसका फार्मूला होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, हमने इस फार्मूला को लिख लिया। उसके बाद जीरो बी माइनस सी, बी क्यू माइनस सी क्यू का फार्मूला, बी माइनस सी बी स्क्वायर बी सी प्लस सी स्क्वायर हो गया। उसके बाद एक सी सी क्यू हो गया। ठीक है, अब देखो तो सी वन से ए माइनस बी कॉमन मिलेगा और सी टू से बी माइनस सी कॉमन ले लेते हैं, ए माइनस बी बी माइनस सी हमने कॉमन लिया, जीरो एक, यहाँ से ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ये जीरो एक बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, एक सी सी क्यू। ठीक है, अब देखो तो ए माइनस बी बी माइनस सी, इस एक को लेते हैं, एक को लेंगे तो इसके सामने वाला खत्म और एक खत्म, क्या बचेगा, एक एक ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बचेगा, और यहाँ से बी स्क्वायर बी सी प्लस सी स्क्वायर बचेगा। अब इसे क्या करते हैं, हम हल करते हैं, ये हो जाएगा a माइनस बी बी माइनस सी, इनको इनके साथ करेंगे तो बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा a माइनस बी बी माइनस सी, बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर, ये माइनस प्लस, और कोई कटेगा क्या, नहीं कटेगा। यहाँ से देखो ए माइनस बी और ए बी माइनस सी, यहाँ से क्या करते हैं, बी और सी में एक साथ कर लेते हैं, बी सी माइनस ए बी और सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा ए माइनस बी बी माइनस सी, ये कॉमन लेंगे तो बी हो जाएगा सी माइनस ए, और इसको हल करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला सी माइनस ए सी प्लस ए हो गया। यहाँ से देखो ए माइनस बी बी माइनस सी, और इसमें से कॉमन लेंगे तो ए हो जाएगा सी माइनस ए, बच के जाएगा बी प्लस, यहाँ से सी प्लस ए बच गया। यहाँ से फाइनल देखो ए माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए, बी प्लस सी प्लस ए है ना, इसे सेपरेट कर लेते हैं तो ए बी सी, क्योंकि सब प्लस में आप ऐसे लिख सकते हो,
यही देखो प्रूव करना था हम लोग का, हो गया ठीक है। बहुत ईजी है, बहुत ईजी, तो ध्यान से करोगे तो बन जाएगा ठीक है। अब जो 9 नंबर क्वेश्चन है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 4.2 का, ठीक है आइए उसे सॉल्व करते हैं। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं ठीक है। इतना बराबर इतना प्रूव करना है, तो सबसे पहले जो दिया रहता है उससे हम लिख लेते हैं, एक्स एक्स स्क्वायर वाई जेड वाई वाई स्क्वायर जेड एक्स जेड जेड क्यू एक्स वाई, ठीक है। अब देखो क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसमें से हम क्या करते हैं, ये जो एक्स है एक्स स्क्वायर है वाई जेड है, इसमें एक्स नहीं है, तो हम क्या करते हैं कि एक्स से मतलब आर वन में एक्स से गुना कर देते हैं, और आर टू में इसमें वाई नहीं तो वाई से कर देते हैं, और आर थ्री में जेड से कर देते हैं ठीक है। आइए हम करते हैं, एक आर वन में यहाँ पर लिख देते हैं, अच्छा रहेगा कि आर वन में हमने एक्स से मल्टीपल किया, और आर टू में वाई से, और आर थ्री में हमने किया जेड से ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा जब गुना करेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स क्यू, और ये हो जाएगा एक्स वाई जेड, और ये वाई स्क्वायर, ये वाई क्यू, ये एक्स वाई जेड, ये जेड स्क्वायर, ये जेड क्यू, ये एक्स वाई जेड ठीक है। अब देखो याद रखिएगा कि जब जिससे गुना कराते हैं ना उसी से भाग भी करना पड़ता है, यानी जिससे हम गुना किए हैं उसमें से भाग भी करना पड़ेगा, तभी तो कर सकते हो। तो हमने क्या किया कि इसमें हमने एक से पहले में एक से गुना उसी से भाग, फिर वाई में उसी से गुना उसी से भाग, फिर आर थ्री में जेड से गुना जेड से भाग किए, तभी तो हो पाएगा कॉम्बिनेशन बनाने के लिए। ऐसे ही थोड़े किसी में कुछ भी कर सकते हो ठीक है। जिससे हमने आर वन में गुना किया तो उससे भाग दिया, जिसमें आर टू में गुना किया उससे भाग दिया, आर थ्री में उसी से किया ठीक है। अब देखो, अब हम ये देख रहे हैं कि सी थ्री में एक्स वाई जेड कॉमन मिल रहा है, तो उससे हम क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं, तो एक्स वाई जेड अब बटे में एक्स वाई जेड, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स क्यू और ए वन, वाई स्क्वायर वाई क्यू वन, जेड स्क्वायर जेड क्यू और ए वन ठीक है। अब क्या किया जाए, अब हम क्या करते हैं, आर टू में से आर वन को माइनस कर देते हैं, और आर थ्री में से भी आर वन को ही माइनस करते हैं, तो क्या होगा कॉम्बिनेशन। इस बार हमने क्या किया, आर टू में से आर वन को माइनस किया तथा आर थ्री में से आर वन को माइनस, देखो तो क्या होगा, जब इसको देखो एक्स वाई जेड कटा देते हैं, आर वन तो ज्यों का त्यों होगा एक्स स्क्वायर एक्स क्यू और ए वन, इसको माइनस करते हैं आर टू में से आर वन, तो ये हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और वाई क्यू माइनस एक्स क्यू, वन में से वन जाएगा जीरो ठीक है। और यहाँ से जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये जेड क्यू माइनस एक्स क्यू और ए जीरो ठीक है। अब क्या किया जाए, अब देखो ये एक है ना, एक्स थ्री से हम इसे हल करना चाहते हैं, कर दो, तो हम क्या लेते हैं एक लिए और इसके सामने ख़त्म और इसके सामने ख़त्म, क्या बच जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई क्यू माइनस एक्स क्यू जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जेड क्यू माइनस एक्स क्यू ठीक है। चलो तो अब हम नेक्स्ट पेज लेते हैं, यहाँ पर जगह नहीं है ठीक है, इसे हल करते हैं तो देखो क्या हो जाएगा। सबसे पहले वन को रखेंगे, इसे हल करते हैं इनको इनके साथ ठीक है, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू जेड क्यू माइनस एक्स क्यू माइनस, इनको इनके साथ करते हैं तो जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर
और वाई क्यू माइनस एक्स क्यू, ठीक है। अब देखो तो करते हैं तो क्या होगा, यहाँ से एक से करें कोई फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन बीच में जो फॉर्मूला है उसे यूज करना है हम लोग को, ठीक है। वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका फॉर्मूला हो जाएगा वाई माइनस एक्स वाई प्लस एक्स, ठीक है। उसके बाद एक्स क्यू माइनस ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला तो हो जाएगा जेड माइनस एक्स, और ये जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा जेड एक्स को चाहे एक्स जेड को बात ही कहीं है, ठीक है। फिर यहाँ पर इसको थोड़ा सा बड़ा ब्रैकेट लगा दो, फिर माइनस, बड़ा ब्रैकेट नहीं है डबल ब्रैकेट लगा दिए, चाहे मिडिल ब्रैकेट लगा देते हैं, ठीक है। अच्छा रहेगा गुना करने, बीच में माइनस है तो माइनस का साइन रहेगा। अब यहाँ से इसको शुरू करो, जेड माइनस एक्स जेड प्लस एक्स, ए क्यू माइनस बी क्यू पर ये हो जाएगा वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये एक्स वाई, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब देखो पहले गुना कराते हैं इनको, तो ज्यों का त्यों छोड़ दें कि पहले कॉमन ले लें। ये बताओ पहले हम क्या करते हैं, पूरे में से कॉमन ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर वाई माइनस एक्स और यहाँ पर भी वाई माइनस एक्स कॉमन है ना, तो हम इसे वाई माइनस एक्स कॉमन ले लिए, ठीक है। उसके बाद जेड माइनस सिक्स कॉमन है, इससे भी हमने ले लिया, ठीक है। अब बच क्या गया, यहाँ पर ऐसे ब्रैकेट नहीं रहेगा, ऐसे लिखो वाई माइनस एक्स, यहाँ पर ब्रैकेट का बहुत वैल्यू है, ठीक है, इसलिए हमने काट दिया, ऐसे कर लिए। अब बड़ा ब्रैकेट लगा दो, क्या बच गया यहाँ पर, यहाँ पर हमने कॉमन लिया इसको और इसको, ठीक है, ये बचेगा वाई प्लस एक्स हमारा बच जाएगा। यहाँ से जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स जेड हो गया, ठीक है। फिर माइनस कॉमन ले लिया तो बच गया जेड प्लस एक्स ना, इसे ले लो जेड प्लस एक्स, और वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स वाई हो गया, ठीक है। अब देखो तो क्या करते हैं, यदि मान लो कि यहाँ से इसको माइनस को मल्टीपल कराते हैं, वाई माइनस एक्स जेड माइनस एक्स, तो पहले इसको गुना करा देते हैं एक बार, ठीक है। तो वाई को जेड से करेंगे वाई जेड स्क्वायर हो जाएगा, वाई को फिर एक्स स्क्वायर से करेंगे वाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा, वाई को एक्स जेड से करेंगे तो एक्स वाई जेड हो जाएगा, फिर एक्स को जेड स्क्वायर से करेंगे एक्स जेड स्क्वायर, एक्स को एक्स स्क्वायर से करेंगे ये हो जाएगा एक्स क्यू, एक्स को एक्स जेड से करेंगे एक्स स्क्वायर जेड, ठीक है। फिर माइनस है तो माइनस, जेड को एक्स से करेंगे तो जेड वाई स्क्वायर हो जाएगा, जेड को एक्स से करेंगे जेड एक्स स्क्वायर हो जाएगा, जेड को एक्स वाई से करेंगे एक्स वाई जेड हो जाएगा, फिर एक्स को वाई स्क्वायर से करेंगे एक्स वाई स्क्वायर, फिर एक्स को एक्स स्क्वायर से करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स क्यू, फिर एक्स को एक्स वाई जेड से करेंगे एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है। अब चलो अब क्या करते हैं, वाई माइनस एक्स जेड माइनस एक्स, इसे ज्यों का त्यों एक बार लिख लेते हैं, वाई जेड स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर एक्स वाई जेड एक्स जेड स्क्वायर एक्स क्यू एक्स स्क्वायर जेड, इस माइनस को सब में करा दो, माइनस जेड वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई जेड माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है। अब यहाँ से देखो वाई माइनस एक्स जेड माइनस एक्स करो, तो देखो यहाँ से कौन कौन से कटेगा ध्यान देना, यहाँ पर मेन कटाने वाला ही है, ठीक है। वाई एक्स वाई जेड स्क्वायर कोई है क्या, वाई जेड स्क्वायर नहीं है, वाई एक्स स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर, ये माइनस है और ये प्लस है, देखो दोनों कट गया, दोनों एक जैसा है, एक्स वाई जेड माइनस एक्स वाई जेड कट गया, एक्स जेड स्क्वायर एक्स जेड स्क्वायर चाहिए,
नहीं है, एक्स क्यूब और माइनस प्लस कैंसिल, एक्स स्क्वायर जेड माइनस और ए प्लस कैंसिल, क्या बच गया, वाई जेड स्क्वायर और एक्स जेड स्क्वायर माइनस जेड वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर, ये बच गया। अब यहाँ से देखो वाई माइनस एक्स जेड माइनस एक्स, यहाँ देखो तो क्या 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 कॉमन मिलेगा, तो वाई जेड स्क्वायर और किसके साथ रखें, जेड वाई स्क्वायर को रखते हैं, हाँ जेड वाई स्क्वायर को साथ में, इनको और इनको एक साथ, एक्स जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा वाई माइनस एक्स जेड माइनस एक्स, ठीक है, इन दोनों में कॉमन क्या मिलेगा, वाई जेड कॉमन मिलेगा, तो जेड माइनस वाई कॉमन हो जाएगा, बच जाएगा प्लस, यहाँ से कॉमन लेते हैं एक्स, एक्स कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा, जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और बढ़ाते हैं इसको आगे, वाई माइनस एक्स जेड माइनस एक्स, वाई जेड जेड माइनस वाई प्लस एक्स, यहाँ देखो तो जेड माइनस वाई जेड प्लस वाई, ठीक है। अब देखो वाई माइनस एक्स जेड माइनस एक्स, अब देखो तो क्या करते हैं, ये वाई जेड ये जेड माइनस वाई, यहाँ से हम देख रहे हैं कि जेड माइनस वाई कॉमन मिल जाता है, ठीक है, तो इसको ऐसा ना लिख करके हम पहले जेड वाई जेड माइनस वाई को कॉमन ही लेते हैं, ब्रैकेट नहीं रखेंगे, जेड माइनस वाई को हमने कॉमन लिया, अब ब्रैकेट रखते हैं, बच जाएगा वाई जेड, वाई जेड बच जाएगा, यहाँ पर बचेगा एक्स इंटू जेड प्लस वाई, अब क्या हो जाएगा, वाई माइनस एक्स जेड माइनस एक्स जेड माइनस वाई, और इसको करेंगे तो वाई जेड, एक्स को जेड से करेंगे एक्स जेड और एक्स वाई, ये देखो आपका आंसर हो गया, ठीक है, मिलाओ तो आया है, बिल्कुल आया है, ठीक है, तो थोड़ा सा लगेगा कठिन लेकिन है बहुत इजी, ठीक है, सारे कैलकुलेशन थे, ट्वेल्व में कुछ है यार, ट्वेल्व बहुत इजी मैथ है, ठीक है, बस आप लोग झूठ में डर जाते हो, डरना नहीं है, उसको सीखना है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 10 को अब देखते हैं कि इतना बराबर इतना प्रूफ करना है, ठीक है, पहले जो दिया रहता है उससे लिखेंगे, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, 9 से इजी ही है, x प्लस फोर टू एक्स टू एक्स, ठीक है, और ये टू एक्स एक्स प्लस फोर और ये टू एक्स, ये टू एक्स ये टू एक्स एक्स प्लस फोर, ठीक है। अब यहाँ से माइंड लगाओ कि हमें लाना है फाइव एक्स प्लस फोर के फॉर्म में, ठीक है, तो क्या करना होगा, सी वन सी टू सी थ्री को जोड़ना होगा पहले, तभी तो आ पाएगा, तो हमने सी वन में क्या किया, सी वन को सी टू को और सी थ्री को हमने जोड़ दिया, तो क्या हो जाएगा, एक्स टू एक्स टू एक्स, फाइव एक्स हो जाएगा, फाइव एक्स प्लस फोर हो जाएगा, यहाँ भी जोड़ेंगे ये भी हो जाएगा फाइव एक्स प्लस फोर, इसको भी जोड़ेंगे तो फाइव एक्स प्लस फोर ही होगा, ठीक है। अब ये सी टू सी थ्री को ज्यों कहते हैं लिख दो, टू एक्स एक्स प्लस फोर और ये टू एक्स, ये टू एक्स ये टू एक्स एक्स प्लस फोर, ठीक है। अब सी वन देखो एक ही से सब में है, इसे हम क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं, फाइव एक्स प्लस फोर को हमने कॉमन ले लिया, क्या बच जाएगा, एक एक एक, ये टू एक्स ये एक्स प्लस फोर और ये टू एक्स, ये टू एक्स और ये टू एक्स एक्स प्लस फोर, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब हम देखो क्या करते हैं कि आर टू में से आर वन को माइनस करते हैं और एक बार आर थ्री में से ही आर वन को माइनस करते हैं, देखो आर टू में हमने क्या किया, आर वन को माइनस किया तथा आर थ्री में से भी आर वन को माइनस हमने करने चला, देखो तो क्या होगा, फाइव एक्स प्लस फोर आर वन ज्यों कहते हो, एक टू एक्स टू एक्स,
एक में से एक जाएगा जीरो, ठीक है। एक्स प्लस फोर में से टू एक्स जाएगा तो कितना होगा, माइनस एक्स प्लस फोर हो जाएगा, ठीक है। इसमें से इसको करेंगे तो हो जाएगा जीरो, वन में से वन जाएगा जीरो, टू एक्स में से टू एक्स जाएगा जीरो, एक्स प्लस फोर में से एक जाएगा तो माइनस एक्स प्लस फोर हो जाएगा, ठीक है। अब कितना होगा, अब देखो, अब क्या करते हैं कि ये वन बचा, सी वन से हल कर देंगे, बाकी तो जीरो है, काम हो जाएगा हमारा। तो यहाँ से देखो, फाइव एक्स प्लस फोर, वन को लेंगे, इनके सामने ख़त्म और इनके सामने ख़त्म, ये बचेगा माइनस एक्स प्लस फोर, अरे जीरो, ये जीरो, माइनस एक्स प्लस फोर, ठीक है। अब क्या किया जाए, अब हम क्या करते हैं कि इनको इनके साथ गुना करेंगे, तो ये हो जाएगा फाइव एक्स प्लस फोर, और इनको गुना करेंगे माइनस एक्स प्लस फोर इंटू माइनस एक्स प्लस फोर से, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हम इस चिन्ह को उलट देते हैं। कहने का मतलब है कि देखो, फाइव एक्स प्लस फोर है ना, इसे हम क्या करते हैं कि प्लस को पहले माइनस को बाद में लिख लिए, प्लस को पहले माइनस को बाद में, फोर माइनस एक्स, फोर माइनस एक्स हो गया, तो ये हो जाएगा फाइव एक्स प्लस फोर और फोर माइनस एक्स, ए माइनस बी, ए माइनस बी इसका होल स्क्वायर, यही तो प्रूव करना था, चेक कर लो, देखो आ गया, ठीक है। ये सब बहुत इजी है, बस ध्यान से करोगे ना, सारे इजी हैं, बहुत इजी, बहुत इजी, ठीक है। अब चलो इसका दसवां का दूसरा देखते हैं, आइए, दसवां का दूसरा ये रहा, इतना बराबर इतना इसे प्रूव करना है, आइए इसे हल करते हैं, ये भी बहुत इजी है। सबसे पहले क्या करेंगे, जो दिया है उसे लिख लेंगे, वाई प्लस के, ये वाई, ये वाई, ये वाई, वाई प्लस के, ये वाई, वाई 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 प्लस के। अब क्या करेंगे, अब हम क्या करते हैं, सी वन में सी वन को, सी टू को और सी थ्री को हम जोड़ते हैं, तो क्या हो जाएगा, जब इसको जोड़ेंगे सी वन में सी टू सी थ्री को, तो ये हो जाएगा वाई वाई वाई, थ्री वाई प्लस के हो जाएगा। यहाँ भी सबको जोड़ेंगे तो ये भी हो जाएगा थ्री वाई प्लस के, इसको भी जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा थ्री वाई प्लस के, बाकी सब वाई, वाई प्लस के, और ये वाई, ये वाई, ये वाई, वाई प्लस के हो गया, ठीक है। अब क्या करते हैं कि इसको हम कॉमन लेते हैं, ठीक है, क्योंकि सी वन में सब कॉमन मिल रहा है, तो थ्री वाई प्लस के को हमने कॉमन लिया, तो क्या होगा, वन वन वन, ये वाई, वाई प्लस के, ये वाई, ये वाई, वाई, वाई प्लस के, क्या हो जाएगा, जब इसको हमने कॉमन लिया तो देखो, अब इसको माइनस करते हैं, आर टू में से आर वन को, एक बार आर थ्री में से आर वन को माइनस कर देंगे, काम हो जाएगा। हमने क्या किया, आर टू में से आर वन को माइनस किया तथा आर थ्री में से आर वन को, तो देखो क्या होगा, थ्री वाई प्लस के, एक में से एक जाएगा जीरो, वाई प्लस के में से वाई जाएगा तो बचेगा हमारा के ना, नहीं आर वन तो ज्यों का त्यों होना चाहिए यार, आर वन में तो कुछ छेड़छाड़ होना ही नहीं चाहिए, वाई वाई, ये जीरो और यहाँ पर के, वाई में से वाई जाएगा जीरो, वन में से वन जाएगा जीरो, वाई में से वाई जाएगा जीरो, ये हो जाएगा के, ठीक है। अब इसे हल कर लो सी वन के अकॉर्डिंग, क्योंकि जीरो जीरो है, एक एक है, एक लेंगे सब खत्म, थ्री वाई प्लस के, एक लेंगे इसके सामने ख़त्म और एक ख़त्म, के जीरो जीरो के। अब यहाँ से देखो तो थ्री वाई प्लस के और के इंटू के करेंगे तो ये हो जाएगा के स्क्वायर माइनस जीरो, यानी के स्क्वायर माइनस जीरो, के से इतना से करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा के स्क्वायर थ्री वाई प्लस के, ये आपका आंसर, ठीक है। आई होप कि आप लोग को इक्वेशन समझ में आया होगा, ठीक है। अब चलिए 11 का पहला देखते हैं, ठीक है, ये आपका, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बहुत इजी, ठीक है ना, ध्यान से देखोगे हो जाएगा।
ए माइनस बी माइनस सी, ए टू बी और ए टू सी, ए टू ए, बी माइनस सी माइनस ए और ए टू सी, ए टू ए टू बी सी माइनस ए माइनस बी। प्रूफ करना है इतना, ठीक है। आइए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं ना कि आर वन आर टू आर थ्री को जोड़ देते हैं, देखो क्या मिलेगा। आर वन, आर वन में हमने आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री को हमने जोड़ने चला, ठीक है। तो क्या हो जाएगा जब इसको जोड़ेंगे, ए माइनस बी माइनस सी को, टू बी और टू सी को, तो देखो ए तो रहेगा ही रहेगा, टू बी के साथ बी क्या घट जाएगा ना, तो बी हो जाएगा, टू सी के साथ सी क्या होगा घट जाएगा, तो ए सी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसी तरह इसको भी जोड़ेंगे तो यहाँ से भी हमारा ए बी सी ही आएगा, आप जोड़ करके चेक कर लो। फिर इसको भी जोड़ोगे तो ए बी सी ही आएगा, इतना हो गया। उसके बाद ए टू बी, ए बी माइनस सी माइनस ए और ए टू बी, ए टू सी, ए टू सी सी माइनस ए माइनस बी हो गया, ठीक है। अब देखो तो आर वन में से ए बी सी कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो ए प्लस बी प्लस सी हमने कॉमन लिया तो एक हो गया, एक हो गया और ये एक हो गया, ए टू बी, ए बी माइनस सी माइनस ए और ए टू बी, यहाँ से ए टू सी, ए टू सी सी माइनस ए माइनस बी हो गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब देखो तो अब थोड़ा सा और माइंड लगाओ कि कुछ हो जाए, तो सी वन में से सी टू को माइनस कर दो। तो इस बार क्या करते हैं कि सी टू में, सी टू में से सी वन को माइनस कर दिए और एक बार सी थ्री में से सी वन को ही माइनस कर दो, ठीक है। सी थ्री माइनस सी वन, तो देखो क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी, सी वन तो ज्यों का त्यों, एक दो बी दो सी, एक में से एक जाएगा जीरो, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा बी माइनस सी माइनस ए, इसमें से इसको माइनस करेंगे ए जीरो, फिर इसको में से इसमें माइनस करेंगे जीरो, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो सी थ्री में से सी वन ना, तो ये जीरो हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो माइनस सी, माइनस सी माइनस ए माइनस बी बचेगा, ठीक है। अच्छा ये माइनस सी होगा ना, तो यहाँ पर ये माइनस बी होगा क्योंकि इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये प्लस, बड़ा का साइन हो गया माइनस, माइनस टू में से बी जाएगा तो माइनस बी होगा, इतना होगा, ठीक है। अब क्या किया जाए, सी वन के आर वन के अकॉर्डिंग हल कर दो, वन लेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी लिए, वन लिए इसके सामने ख़त्म और ए ख़त्म, माइनस बी माइनस सी माइनस ए और ए जीरो, ए जीरो माइनस सी माइनस ए माइनस बी। अब क्या करते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी इनको इनके साथ करते हैं, तो देखो तो क्या होगा, इसको जब हम इनको इनके साथ करेंगे तो पहले तो माइनस बी माइनस सी माइनस ए एक साथ, फिर बीच में क्या लगेगा इनटू ना, इनटू का साइन लगाओ, माइनस सी माइनस ए माइनस बी हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी ये तीनों में माइनस कॉमन मिल रहा है, ठीक है, तो माइनस को कॉमन ले लो, तो बी सी ए है ना, तो इसे सेपरेट कर लेते हैं, बी प्लस सी ए बी सी कर लिए, ठीक है, इसमें से माइनस कॉमन लेंगे, इसको भी सेपरेट कर लो, ए प्लस बी प्लस सी हो गया। अब यहाँ से देखो, ए प्लस बी प्लस सी माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ए प्लस बी प्लस सी और ए प्लस बी प्लस सी, तीनों को गुना कर दो तो ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, यही तो प्रूफ करना था, देखो हो गया, ठीक है। तो ये सब बहुत ईजी है, बस ध्यान दोगे तो, पहले से तो ज़्यादा समझ में आता ही होगा क्योंकि शुरू में नहीं आता है, लेकिन धीरे धीरे करोगे, प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस का ही काम है, ठीक है। चलो इसका दूसरा देखते हैं, देखो ग्यारहवा का दूसरा ये है, ठीक है, ये भी बहुत ईजी है, ध्यान दोगे, सारे ईजी हैं यार, इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। सबसे पहले जो दिया रहता है उसे लिख लो, एक्स प्लस वाई प्लस टू जेड
एक्स वाई जेड वाई प्लस जेड प्लस टू एक्स, ये वाई ये जेड और ये एक्स जेड प्लस एक्स प्लस टू वाई। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि यहाँ भी सी वन सी टू सी थ्री को सी वन में जोड़ देते हैं, एक जैसा सब मिल जाएगा। यहाँ भी हमने सी वन और सी टू और सी थ्री को हमने ऐड किया, तो क्या हो जाएगा, एक्स एक्स जोड़ेंगे तो टू एक्स हो जाएगा, वाई वाई जोड़ेंगे तो टू वाई और ये टू जेड हो जाएगा। यहाँ भी ऐसा ही होगा, टू जेड टू वाई टू एक्स, इसको भी जोड़ेंगे तो टू जेड टू एक्स टू वाई और सी वन सी टू जो करते हो एक्स वाई प्लस जेड प्लस टू एक्स और ये एक्स ये वाई जेड प्लस एक्स प्लस टू वाई। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहाँ से देखो कि इसमें से दो सब में कमन मिलेगा, मिलेगा ना, तो हम दो को क्या करते हैं, सब कमन निकाल करके एक ही बार में बाहर निकाल दिए। ठीक है, नहीं तो ऐसा करते हैं कि दो पहले यहाँ से कमन लेते हैं बारी बारी से, दो कमन मिलेगा तो हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, उसके बाद यहाँ भी एक कमन मिलेगा तो ये भी हो जाएगा, सेपरेट करेंगे तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ भी टू कमन लेंगे ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये जो कहते हो एक्स वाई जेड प्लस टू एक्स और ए एक्स ये वाई जेड प्लस एक्स प्लस टू वाई हो गया। ठीक है, कमन लो तो कमन ये तो पूरा मिल जाएगा सी वन से, टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड बच जाएगा वन वन वन, यहाँ पर एक्स वाई जेड प्लस टू एक्स ये एक्स ये वाई वाई जेड प्लस एक्स प्लस टू वाई। अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से क्या करते हैं, आर टू में से आर वन को माइनस कर देते हैं एक बार, एक बार आर थ्री में से आर वन को माइनस कर देंगे, हो जाएगा आर टू में से आर वन को माइनस करते हैं और एक बार आर थ्री में से आर वन को माइनस करते हैं, तो टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड आर वन जो कहते हैं वन एक्स वाई, वन में से वन जाएगा जीरो, इसको माइनस करेंगे इतना में से इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा वाई प्लस जेड प्लस एक्स, इसको करेंगे तो जीरो, एक में से जाएगा जीरो, एक्स में से जाएगा जीरो, इतना में से वाई को माइनस करेंगे तो जेड प्लस एक्स प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, जगह नहीं है ना, दूसरा पेज लाते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो ये सी वन के अकॉर्डिंग वन है बाकी सब जीरो है, तो क्या करते हैं कि टू का टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, वन को लेंगे इसके सामने ख़त्म और एक ख़त्म, वाई प्लस जेड प्लस एक्स और ये जीरो, ये जीरो जेड प्लस एक्स प्लस वाई, यहाँ से हो जाएगा टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इनको इनके साथ कर देंगे तो क्या होगा, ये देखो एक्स प्लस वाई प्लस जेड आई इंटू, इसको भी सेपरेट करेंगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इन दोनों को मल्टीपल कर दो टू, इन तीनों को करेंगे तो क्या होगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, हो गया कंप्लीट, यही लाना था ना, हो गया। आई होप कि आप लोग को इक्वेशन समझ में आ गया होगा और अगले वीडियो पार्ट टू में हम लोग 11 के आगे के सारे क्वेश्चन कराएंगे। जिनको क्लास 12 की पूरी मैथ पढ़ना है, 100% मैथ की कोर्स कंप्लीट करना है, वो मेंबरशिप में ज्वाइन हो सकते हैं, उसमें नोट्स पहले नंबर डाल देते हैं, इस नंबर पे कॉल किया आप करके सर से बात कर सकते हो कैसे मेंबरशिप में ज्वाइन होंगे आप लोग। ठीक है, मात्र 499 रुपये लगता है, जिसमें आपको पूरा मैथ के फुल कोर्स कराए जाएंगे, साथ में आपको नोट्स मिलेगा, कोई डाउट दिक्कत आता है तो उसके लिए अलग से क्लास चलता है। ठीक है, तो जल्द से जल्द ज्वाइन कर लें, नहीं तो बाद में पहचाना पड़ेगा कि सर हमें पता ही नहीं था। ठीक है, ज्वाइन करना हो जल्द से जल्द ज्वाइन कर लेना, सर से बात कर लेना कैसे ज्वाइन करना है।